सिल्ली थाना के पीछे पुंदा गांव में परेश रजक के घर के ऊपर छत पे रखे पुआल पे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीष्म रूप धारण कर लिया। घर वालों ने दमकल को सूचना दी, पर दमकल के आते आते आधे से अधिक पुआल जलकर खाक हो गए। दमकल कर्मियों ने आकर आग पर काबू पाया। घर वालों ने बताया कि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, पर जैसे ही आग लगी घर वाले ने पानी से बुझाने की कोशिश की, पर घर के सामने पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आग पे काबू नहीं पाया जा सका। आई जो आग लगा ये कैसे लगा? वो बच्चा तो नीचे से ऊपर जा रहा था तो देखा अचानक से कि पूरा आग लग गया। अच्छा क्या बात? अच्छा उसके बाद पूरा धर घर वाला सब इधर उधर, यहाँ तो पानी का बहुत तकलीफ, पीने का पानी नहीं रहता है। अच्छा मैंने आग लगा तो आप लोग बुझाने का कोशिश नहीं किए? पूरा कोशिश, पानी ही नहीं है, बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है, चापाकल भी नहीं है। तो एक चापाकल है तो सुबह खाली पानी निकलता है, शाम में निकलवे नहीं करता है। अच्छा अच्छा और पानी कहाँ से लाएंगे पानी? आज अब 5 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अच्छा कितना का क्षति हुआ है, क्या क्या जला है? क्षति तो कम से कम 4 बजे जला है। क्या क्या सामान जला है? सामान तार और सब जल गया, जितना था नीचे में कुछ सामान तो सब दब गया। जब जला उस समय आप लोग बुझाने का कोशिश नहीं किए? कोशिश तो पूरा किए, घर में जितना पानी था सब छीट दिए, इधर उधर से लाभों किए। अच्छा उनसे कॉन्टेक्ट किए, फिर इधर उधर से गाँव वाला सब थोड़ा सपोर्ट किया। अच्छा आग बुझाने वाला गाड़ी कितना देर में आया? कम से कम 1 घंटा बाद आया। 1 घंटा बाद हुआ।